हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. माई सेल्फ भूमिका. टुडे आई विल टीच यू एन इंग्लिश ऑफ क्लास सिक्स यूनिट टू. इन दैट इन लास्ट वीडियो वी हैव वॉच्ड 1 to 4 पैराग्राफ. सो फर्स्ट वी अगेन रिमाइंड द 1 to 4 पैराग्राफ. सो इन द 1 to 4 पैराग्राफ वी remind that the wolf and the dog were live with each other. The dog not happy with the life of wolf, so he decided to find a master for him. So first he asked the wolf to become a master of dog. So wolf said, I don't have any problem. So then after they both are moving in a forest. तो अभी आगे उनको क्या दिखाई देता है या तो कौन सा एनिमल मिलता है वो हम देख रहे हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे आज अपना 5th पैराग्राफ. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a dog and then we can both eat our fill. तो अभी हम देखेंगे कि ये पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है. तो यहाँ पे है सेइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ. डॉग ने देखा कि बियर है वो वुल्फ से स्ट्रांग है. सो द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम. तो डॉग ने डिसाइड किया कि वो बियर को अपना मास्टर बनाएगा. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर. तो डॉग ने वुल्फ को छोड़ दिया और वो बियर के पास गया और उसने बियर को अपना मास्टर बनाने का डिसाइड किया. मतलब उसने बियर को जाके पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. तो बताओ बच्चों, बियर ने क्या आंसर दिया होगा? यस, वेरी गुड. तो बियर ने बोला होगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ. तो बियर एग्रीड टू दिस रेडीली एंड सेड. बियर तैयार हो गया और उसने बोला, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस. चलो हम यहाँ से चलते हैं और एक काउ का ग्रुप ढूंढते हैं. मतलब हर्ड मीन्स ग्रुप. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ इट अप फिल. तो अभी यहाँ पे बियर है वो डॉग को बोलता है कि मैं काउ को मारूंगा, उसके बाद हम दोनों मिलके उसको भरपेट खा सकते हैं. Now, 6th paragraph. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. तो अभी हम देखते हैं कि 6th paragraph में क्या बोला गया है. They walked on and soon saw a herd of cows. वो आगे चल रहे थे और अचानक से उन्होंने एक काउ का ग्रुप देखा. बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम अप, और जैसे ही वो वहाँ पे आगे चलने लगे. टू ईट एंड दे वेर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज. तो वो वहाँ पे एक टेरिबल मतलब एक बैड मतलब खतरनाक आवाज़ सुन के वहाँ पे स्टॉप हो गए. द काउज वेर मूविंग लाउडली. काउस है वो जोर से चिल्ला रही थी. एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. और पैनिक, पैनिक मतलब फियर मतलब डर के मारे वो यहाँ वहाँ भाग रही थी. नाउ 7th पैराग्राफ. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम अ बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हास्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिसाइड अ ट्री मतलब बियर है वो ट्री के पीछे से देख रहा था. एंड देन ही टू रन हास्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. हास्टिली मीन्स हरीडली और फास्टली.
और उसके बाद बियर है वो वहाँ से हास्टिली मतलब फास्टली वहाँ से दौड़ के जंगल में अंदर अंदर चला गया। नाउ हियर द सेवेंथ पैराग्राफ इज कंटिन्यू। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। नाउ मीन्स अभी, व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, बियर है वो डॉग को बोलता है। इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, ये लायन है और जो फॉरेस्ट के हर पार्ट पे क्या करता है, रूल मतलब आपको पता ही है कि लायन है वो किंग ऑफ द फॉरेस्ट माना जाता है, इसीलिए बियर है वो लायन से डरता है। द लायन हु इज ही, अभी डॉग यहाँ पे पूछता है लायन वो कौन है, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, डोंट यू नो, ये सेंटेंस कौन बोलता है, यस बियर, डोंट यू नो, क्या तुझे पता नहीं है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, बीस्ट मीन्स एनिमल, लायन है वो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है मतलब एनिमल है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, वेल मतलब अच्छा है, तो फिर आई से विल से गुड बाय टू यू, तो मैं आपको गुड बाय बोल के जा रहा हूँ, किसे गुड बाय बोलेगा डॉग, यस बियर को, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए कि जो सबसे ज्यादा अर्थ पे स्ट्रॉन्गर हो, थैंक यू। और ये जो पैराग्राफ मैंने आपको समझाए हैं वो आप घर पे फिर से एक बार रीड करने की कोशिश करना।